भेड़ियों को घेर रखा है। घरों से बाहर निकलकर लोगों ने घेरा बना रखा है। वन विभाग को इसकी खबर दे दी गई है। तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आप बहराइच से आ रही हैं सामने, जहां पर लोग परेशान हैं। गांव के लोग बचे हुए भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ने की वन विभाग की टीम के साथ पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि आपने आज भी देखा भेड़ियों ने कुछ लोगों को घायल कर दिया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला और एक बच्ची घायल हुई है, और कल भी एक बुजुर्ग आदमी शख्स और एक बच्चा 7 साल का लड़का घायल हुआ है। तो हर दिन भेड़ियों का शिकार बन रहे हैं ना सिर्फ बहराइच वासी, बल्कि भेड़िए बहराइच से निकलकर सीतापुर भी जा धमके हैं। अब ऐसे में गाँव वाले जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों के साथ वन विभाग की टीम के साथ कोशिश करने में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें आप गांव वालों के माध्यम से जो घेराबंदी की गई है भेड़ियों की, उसकी देख रहे हैं। और आज तड़के 4 बजे के आसपास एक बच्ची पर भेड़िए ने हमला कर उसकी जान ले ली, और इस घटना के बाद से आसपास हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज 18 भी लगातार ग्राउंड जीरो पर है, लोगों से बातचीत की गई है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो मौके पर थे। दादा, क्या हुआ था, कैसे भागा भेड़िया, यहाँ तक कैसे पहुंचा? गन्ने में गाथा कर रहा है। तो चमडल आदमी रहा है, ये तरफ जाल लगा होता है, तो जाल कोना पर जो पहुंचा देते तो हम फंस जाते। तो लेकिन कोई गोला डाक दे रोड पर, हम बार भाग कर निकल गया, रास्ता पे गए। बच्ची को मुंह में दबाया था उस समय? बच्चे ना, बच्चे तो ये छीन देने तिलको खाई है। जैसा कि आपने सुना कि बाकायदा वो यहाँ पर बच्ची को खाते हुए नजर आया है, जिसके चलते उसकी मौत हुई। इस दौरान गन्ने के खेत में उसे घेरा गया था। स्थानीय लोगों को कहना है कि जो जाल था वो छोटा पड़ गया, जिसके चलते वो भाग गया। लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस तरह कभी आपने घटना देखी कि 1.5 किलोमीटर लंबी दूरी तक कोई भेड़िया ले गया हो? हाँ, इससे पहले तो घटना हुई है, जो यहाँ ग्राम पंचायत कुटिया पड़ता है, वहाँ पर एक गाँव भटौली पड़ता है। राजीव हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको, और कितनी ज्यादा गश्त बढ़ा दी गई है, चेकिंग लगातार चल रही है, लोगों का क्या कहना है? आप देख सकते हैं कि इस वक्त एडीजी गोरखपुर केस प्रताप कुमार साहब खुद ही मौके पर पहुंचे हैं, और ये वही घर है जहां पर आज सुबह तड़के भेड़िया पहुंचा था और यहीं से एक मासूम बच्ची को उठाकर ले गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। खुद मौके पर जो लगातार बीते कई दिनों से बहराइच में भेड़िए के हमले की सूचना मिल रही थी, जो हाहाकार मचा हुआ था, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा क्या अरेंजमेंट किए गए हैं उसका निरीक्षण करने के लिए खुद एडीजी केएस प्रताप कुमार आज मौके पर पहुंचे हैं, और जो बहराइच के विभिन्न अधिकारी बड़े अधिकारी हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। इस दौरान हम उनसे कोशिश करेंगे। सर मैम, लाइव है सर, क्या आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या देखा है सर? वन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा एक स्पेशलाइज तरीके से एक स्पेशल ऑपरेशन हमारा पहले से ही चल रहा है, और उसको और सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करके इसको चलाया जाएगा। बाहर से भी हम एक्सपर्ट्स बुला रहे हैं, और जल्दी ही हमें इसमें सफलता मिलने की उम्मीद है। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना, ये थे एडीजी जोन गोरखपुर, जिनका कहना है कि जो यहाँ पर कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी, अब कुछ एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पर बुलाया जाएगा, और कोशिश यही किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो इस पूरे क्षेत्र में आदमखोर भेड़िए का आतंक है उसको खत्म किया जाए। आप देख सकते हैं कि गरेठी गाँव का या वही घर है। खबर ये भी आ रही थी कि कुछ गाँव के लोगों ने भेड़िए को घेरा हुआ है, इस पर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, आपसे कुछ देर पहले हम लोग जब इस गांव के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो उससे पहले पड़ोस के ही एक गांव में कुछ ग्रामीणों ने स्वयं ऑपरेशन भेड़िया की कमान संभालते हुए एक भेड़िया को कॉर्डन ऑफ किया था, घेराव किया था, लेकिन कई घंटों तक इंतजार करने के बाद जब वन विभाग की टीम नहीं आई तो उसको वो पकड़ने में नाकामयाब रहे। वन विभाग को सूचना दी गई थी, क्योंकि ग्रामीणों ने पहले उसे खेत में घेरा था, उसके बाद वो एक वेटलैंड में चला गया था, जिसके चलते ग्रामीण उस पानी के इलाके में नहीं जा सके, वरना हो सकता है कि ग्रामीण उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते। तो ऐसे में ग्रामीण ये चाह रहे थे कि वन विभाग के पास जो ड्रोन कैमरे हैं, जो थर्मल कैमरे हैं, उनके जरिए ये पता लग जाता कि भेड़िया एग्जैक्ट कहाँ है तो उसे पकड़ा जा सकता, लेकिन समय रहते टीम नहीं पहुंची, जिसके कारण एक बार फिर वो वहां से भागने में कामयाब रहा है, लेकिन कोशिश लगातार जारी है। आक्रोश अभी एग्जैक्ट कितने भेड़िए यहाँ पर हो सकते हैं, जिसको लेकर वन विभाग की टीम कह रही है कि अब इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा? राजीव,
और देखिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दर्जनों टीमें यहां पर लगाई गई हैं मौके पर कि जो यहां पर आतंक है उसको खत्म किया जाए। अभी आपने सुना कि एडीजी गोरखपुर ने खुद कहा कि कई जो एक्सपर्ट्स हैं वाइल्ड लाइफ उनको बुलाया गया है बहराइच में ताकि जल्द से जल्द जो ये रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसको पूरा किया जाए। और जो ये राजीव लोगों से भी आप जरा बातचीत करिए, वहां पर बच्चे भी मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करें उनका क्या कहना है, कितने डर के साए में वो जीने को मजबूर हैं और प्रशासन जो कर रहा है उससे वो कितना संतुष्ट हैं। देखिए यकीनन क्योंकि आज ही ये डेथ हुई है तो आपसे कुछ देर पहले 100 घर पर पहुंचा है, हम कुछ स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर भेड़िया जो है कब से पहुंच रहा है, किस तरह का यहाँ पर भेड़िया कब से अटैक कर रहा है, कब से देखा जा रहा है? परसों से देखा जा रहा है सर। परसों आया शाम को तो वन विभाग को सूचना दिया गया तो उस वन विभाग ने बोला कि हमको वीडियो बना के भेजो तब हम लोग आएंगे। इसके बाद में जब कल घटना हुई तो फिर सूचना दिया गया रात को 3:35 पे लड़की को उठा के ले गया। हाँ सर, तो आपने सुना, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि यहाँ ये वो घर है जहाँ पर अभी भी जो भेड़िए के पग मार्क्स हैं वो देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पग मार्क्स है ये उसी आदमखोर भेड़िए का है जो बच्ची को उठाकर ले गया था। और खास बात है जो दरवाजे इन घरों में नहीं है जिसके चलते ये अटैक किया था। क्या वन विभाग यहाँ पर पहुंचा था भेड़िया देखा? हाँ देखा सर, देखा है, घर में घुसा जा रहा है और अब जब पल्ला दरवाजा नहीं है तो कहाँ बंद कर दी खटिया आए रहन। वन विभाग की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? साहब का यह तो पकड़ा जाए या तो हमका सबका दिन जाए डर तो हम सब गांव भर मिलकर उका मारा जाए या तो पकड़ा जाए। हाँ। ना हमका कॉलोनी मिली ना हमका लेटरिंग मिली तो कहे ना घर। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर दहशत अभी है? हाँ साहब, कौनू मेर के इसे जरूर बचवाओ जाए, बचावा जाए, नहीं तो ये बाल बच्चे कहाँ हुई है, कसके मिली है। और एक बच्ची चली गई थी कि कातिर आज दिन नाई काटे कटा है, पल्ला दरवाजा नाई है तो इसे कहाँ का बचावा जाए। तो जैसा कि आपने सुना ये वो ग्रामीण है जिनके मन में दहशत है, डर है कि आज एक बच्ची के साथ हुआ है कल दूसरे बच्ची के साथ होगा। राजीव, आप इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिये। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।